नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज माँ की दाल जो मसूर साबुत मसूर दाल से बनती है वो मैं अपनी मदर स्टाइल जैसे मेरी मम्मा बनाती थी वैसे बना के दिखाने वाली हूँ। उसके लिए मैं करीब एक कटोरी से थोड़ा कम है दाल, आप ज़रूरत के हिसाब से लीजिए, आपको जितना भी ज़रूरत पड़े, तो इसको मैं एक घंटे के लिए भिगो दूँगी। दोस्तों, मैंने साबुत मसूर की दाल को अच्छे से धो लिया है और उसको पानी में भिगो दिया है और इसके बाद हम इसकी रेसिपी शुरू करेंगे। दोस्तों देखिए, दाल को मैंने भिगो लिया था करीब एक से डेढ़ घंटे और दाल अच्छे से फूल गई है, मसूर की साबुत दाल है छिलके वाली। और इस दाल को मैंने एक कटोरी दाल लिया था, आप अपने हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से लीजिए। अब इस दाल को मैं कुकर में बॉयल करूँगी और साथ में डालूँगी लहसुन करीब एक छोटा चम्मच, हल्दी करीब हाफ छोटा चम्मच, दो छोटे चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च। ये इतना सब मैं इसमें डाल दूंगी और एक साथ ही पका लूंगी। अब मैं इसमें ये सारी चीज़ें, सारा मसाला जो भी है सब डाल दूंगी। करीब एक कप, छोटा कप है, मीडियम साइज का, एक कप पानी इसमें डाल दूंगी और इसको करीब तीन चार सीटी लगा लूंगी और उसके बाद देखूंगी पानी अगर सूख गया है तो खोल के पानी और डाल के इसको सिम पे चढ़ा दूंगी। दाल अच्छे से गल गई है, अब मैं हम इसमें अच्छे से पक गई है दाल, इसमें टमाटर करीब दो हरी मिर्च है और एक बड़ा टमाटर है, इसको इसमें डाल देंगे। एक बड़े चम्मच धनिया, एक बड़े चम्मच जीरा और एक चम्मच गरम मसाला, ये भी इसमें डाल देंगे। करीब एक कप पानी और डाल देंगे इसमें क्योंकि सारा पानी सोख लिया है। और अब इसको सिम आंच पे, देखिए सब मसाला मैंने इसमें मिला दिया है, इसको सिम आंच पे करीब 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे। देखिए दोस्तों, इसको मैंने 10 मिनट करीब सिम आंच पे सीटी लगा के रख दिया था, तो दाल बहुत अच्छे से गल गई है और मैंने थोड़ा सा इसको इसी कलछी से थोड़ा सा मैश कर लिया है तो थोड़ी सी आधी दाल मिल दी गई है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी और डालेंगे, जैसे बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी दाल, तो अब दाल की दाल का जो मिश्रण है वो एकदम सही है, तो इसको थोड़ा सा और पका लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, ऐसे ही बिना सीटी लगाए। देखिए दाल का जो मिश्रण है वो एकदम सही है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है दाल, तो इसको करीब हम लोग 10 मिनट ऐसे ही पका लेंगे और ढक के। देखिए दोस्तों, माँ की दाल बन के तैयार हो गई है, अब इसमें हम लोग तड़का लगा लेंगे। इसके लिए मैं देसी घी डाल लूँगी करीब एक बड़े चम्मच, बड़े चम्मच मतलब एक कटोरी का आधा कटोरी डाल दिया है मैंने। करीब एक चम्मच जीरा डाल दूंगी, लाल साबुत मिर्च डाल दूंगी, लहसुन अदरक और प्याज भी डाल दूंगी बारी बारी से, पहले लहसुन अदरक डाल दूंगी। अब प्याज डाल दूंगी, बनके तैयार हो गया है, प्याज लहसुन अदरक सब अच्छे से भुन गया है और अब गैस बंद कर दूंगी मैं। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च हाफ चम्मच इसमें डालूंगी जिससे कलर अच्छा आ जाए तड़के का, और अब तड़का दाल में डाल देंगे। दाल बनके तैयार है दोस्तों, बहुत ही इजी रेसिपी है, अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे
तो मुझे लगता है कि आपको दाल बनाने बनाने से प्यार हो जाएगा और दाल बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने के बाद। सेम रेसिपी आप फॉलो कीजिए, इसी तरह से बनाइए और खा के आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।